Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इंडिया दुनिया का सिर्फ एकमात्र ऐसा देश है जिसने हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें से हमने 6 गोल्ड मेडल लगातार 1928 से लगाकर 1956 में जीते। 1940 में और 1944 में ओलंपिक वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से नहीं हुए थे और इंडिया ने इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है टोटल 8 मेडल जीतने का। इसके साथ ही इंडिया ने एक सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। वहीं हमारी इंडिया की टीम ने हॉकी वर्ल्ड कप 1975 में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर जीता है और यही वर्ल्ड कप 1971 में शुरू हुआ था, जिसमें कि 1973 में हमारा इंडिया रनर अप भी रहा है। तो लगभग 50 साल तक हॉकी के फील्ड में अपना दबदबा बनाने के बाद 1980 के बाद इंडिया के साथ ऐसा क्या हुआ जिसमें कि हमारा परफॉर्मेंस डिक्लाइन होते रहा, तो इस वीडियो में हम यही एनालिसिस करेंगे कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या रहे। तो आप हमारे वीडियो आखिर तक देखिए और कभी आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। में जब मॉडर्न ओलंपिक शुरू किए गए थे तो इसमें हॉकी को इंक्लूड नहीं किया गया था। 1908 के और 1920 के ओलंपिक में हॉकी को इंक्लूड कर दिया गया, पर इसके नेक्स्ट ही ओलंपिक में इसको हटा दिया गया। हॉकी को में शामिल कर लिया गया परमानेंटली, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया और इंडिया यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। जब ग्रेट ब्रिटेन सबसे ज़्यादा हैरान था, एंग्लो इंडियन प्लेयर्स भी थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जो हमारे यहाँ के प्लेयर्स थे उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और इंडिया इसमें गोल्ड मेडल जीता। और यही परफॉर्मेंस इंडिया का 1956 तक चलता रहा और 1980 में भी हम एक गोल्ड मेडल जीत के लाए। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एक नया रूल लेके आया और इस रूल में यह कहा गया कि आप हॉकी को ग्रास के मैदान पर ना खेलकर एस्ट्रो टर्फ मतलब कि आर्टिफिशियल घास पे खेला जाएगा। इंडिया के पास तब इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी और इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था और इंडिया इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता था क्योंकि जो इसको एस्ट्रो टर्फ को बिछाना थोड़ा सा महंगा और खर्चीला था। तो इंडिया के जो हमारे प्लेयर्स थे वो घास के मैदान पर ही प्रैक्टिस करते और जब इंटरनेशनल मैच में वो खेलते तो उनको तकलीफ़ होती क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते थे, क्योंकि जब वो यहाँ पर प्रैक्टिस घास के मैदान पर करते और कॉम्पिट उनको एस्ट्रो टर्फ मतलब कि आर्टिफिशियल घास के ऊपर करना पड़ता। एस्ट्रो टर्फ के आ जाने से गेम पूरी तरह चेंज हो गया, जहाँ पर पहले घास के मैदान पर स्किल और टेक्निक की ज़रूरत पड़ती थी तो अब एस्ट्रो टर्फ के मैदान पर ये ज़्यादा पासिंग का गेम हो गया, स्टेमिना और पावर का गेम हो गया और हमारे खिलाड़ी यहाँ इसमें कहीं ना कहीं पीछे रह जाते थे और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड जैसे देश इसमें आगे बढ़ने लगे और वो इंडिया और पाकिस्तान को अच्छा खासा कॉम्पीट करने लगे। हमारे बहुत बड़े प्लेयर ने तो एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हमारे यहाँ के जो प्लेयर्स हैं वो लगभग 14-15 साल तक अपने जूनियर स्टेज में एस्ट्रो टर्फ पर प्रैक्टिस नहीं कर पाते, वो ग्रास के मैदान पर ही प्रैक्टिस करते हैं और वो जब प्रैक्टिस करना एस्ट्रो टर्फ पर चालू करते हैं तो वो 16-17 साल के हो जाते हैं तो उनको उसमें ढल पाना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। वैसे हमारे देश में अभी लगभग 40 के आसपास एस्ट्रो टर्फ के मैदान हैं जहाँ पर लोग प्रैक्टिस करते हैं और इसके साथ ही कोई वर्ल्ड क्लास स्टेडियम भी है जैसे कि कलिंगा स्टेडियम है उड़ीसा में। दूसरी सबसे मेजर प्रॉब्लम हमारे यहाँ मैनेजमेंट और फेडरेशन की है। हमारे यहाँ पर जितने भी स्पोर्ट्स के फेडरेशन हैं वहाँ पर राजनीति का इंटरफेरेंस किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स और उनके गेम पर पड़ता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो प्रेसिडेंट होते हैं और जो इनके चेयरमैन होते हैं तो वो जो कोच का सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ पर भी राजनीति घुस जाती है और जो हमारे जो अच्छे कोचेस भी होते हैं वो कभी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं तो उनको ज़्यादातर टाइम तक रखा नहीं जाता है और ऐसे कोचेस का सिलेक्शन कर लिया जाता है जो राजनीति से प्रभावित होते हैं और जो हमारा ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो जाता है। तो इसकी वजह से भी हम इंटरनेशनल मैचेस में पीछे रह जाते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है स्पॉन्सरशिप की, तो हमारे यहाँ पर बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप मिलना हॉकी को थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि हमारा जो परफॉर्म है वो हम अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। तो हमारी उड़ीसा की गवर्नमेंट इसमें आ गई, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने इसको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड की और इंडिया को एक अच्छे स्टेज पर लाया गया। क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि एक टाइम तो ऐसा आया था जहां पर हमारे हॉकी फेडरेशन के पास उनके जो प्लेयर्स हैं उनको सैलरी देने के पैसे नहीं थे, तो ये कितनी ख़राब बात थी हमारे देश के लिए, हमारे फेडरेशन के लिए और हमारे प्लेयर्स के लिए कि उनको जो सैलरी मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिली। कुछ इंटरनेशनल प्लेयर ने हमारे कोच के ऊपर ब्लेम भी लगाया है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, वहाँ पर भी फेवरेटिज्म और ऐसे खिलाड़ियों को खिलाया गया जो राजनीति से प्रभावित हैं। तो ऐसे कई उदाहरण हमने पहले देखे हैं और एक
ऐसी लड़ाई जो किसी से नहीं छुपी है, हमारे यहाँ के इंडियन हॉकी फेडरेशन और हॉकी इंडिया बीच की लड़ाई जो किसी से नहीं छुपी है, जो कि पॉलिटिक्स की वजह से और मीडिया अटेंशन की वजह से बताई जाती थी। तो जो पूरे टीम की परफॉर्मेंस की और हमारे जो कोचेस की परफॉर्मेंस की जो पूरा ब्लेम जाना चाहिए, वो हमारी अथॉरिटीज़ इंडियन हॉकी फेडरेशन और हॉकी इंडिया के बीच जाना चाहिए। जब ये लड़ाई ख़त्म हो गई, इसके बाद हमारे यहाँ एक नई अथॉरिटी आई और उसका नाम हॉकी इंडिया रखा गया और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। 1980 के बाद जब हमारी हॉकी की टीम का परफॉर्मेंस डिक्लाइन करने लगा और 1983 में हमारी क्रिकेट की टीम वर्ल्ड कप जीती, तो हमारी जो युवा जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो क्रिकेट की तरफ मुड़ गई। क्योंकि क्रिकेट खेलना बहुत आसान था, जिसमें एक बल्ला चाहिए, एक बॉल चाहिए और आप कहीं भी छोटी जगह गली में खेल सकते हैं, तो लोग आसानी से इसकी तरफ मुड़ गए। जब टीवी भी आ गया, वनडे मैच आ गया, तो लोगों को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। वहीं हॉकी में हमको बड़ा ग्राउंड चाहिए, बड़ी टीम चाहिए और हॉकी के बड़े सेफ्टी के इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो लोग उसकी तरफ कम इंटरेस्ट और लोगों का कम इंटरेस्ट जाने लगा। और जितने अलग अलग स्टेट से हमारे जो प्लेयर्स आते थे, जैसे कि हॉकी का मक्का कहा जाने वाला पंजाब का संसारपुर, वहाँ से पहले बहुत खिलाड़ी आते थे, पर रिसेंट के टाइम में वहाँ से बहुत कम खिलाड़ी आए हैं। ये कारण था कि जो हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स अलग अलग स्टेट से आते थे, उनका आना बंद हो गया। हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स थे, लीजेंड थे, ध्यानचंद जी जैसे, वो उनके बुढ़ापे में कैसे गरीबी से सामना करते थे। जब 1991 में LPG रिफॉर्म्स हुए, तो ज़्यादा लोग पैसे की तरफ भागने लगे और क्रिकेट एक पैसे वाला गेम बन गया था, तो जो हमारे प्लेयर्स थे वो क्रिकेट की तरफ ज़्यादा मुड़ने लगे और हमारी जो यंग जनरेशन थी वो क्रिकेट की तरफ ज़्यादा मुड़ने लगी। कभी हम कुछ इसमें सुधारों की बात करें, तो हमारे जो जूनियर खिलाड़ी होते हैं, जो जूनियर स्टेज पे खेलते हैं, तो उनके लिए एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाना चाहिए, ताकि उनको छोटी एज से ही एक अच्छा खिलाड़ी बनाया जा सके, जो उनका टैलेंट है वो ज़्यादा निखर कर बाहर आए और वो जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके तर्ज पर चल सके। जो हमारे अच्छे कोचेज हैं, हम उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ा सकते हैं, कि कभी वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनका जो हम कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ा सकते हैं। हमारे प्लेयर्स की जो बेसिक फैसिलिटी है और जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनको हमारे फेडरेशन को और हमारी गवर्नमेंट को पूरी करना चाहिए, ताकि जो हम इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश का नाम और रोशन करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस में उनके साथ कम्पीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे देश के लिए हमारे खिलाड़ी हैं जो जीत सके। इसमें अभी हमें चाहिए होगा कि हमें और बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप मिल सके, क्योंकि जो हॉकी का गेम होता है इसमें एडवर्टीजमेंट टीवी पर नहीं आते, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है ये उसमें ज़्यादा स्पॉन्सरशिप नहीं लेती है, तो इसमें इसीलिए जो गेम को छोटा कर दिया गया है और इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। हॉकी का हमारा जो गोल्डन ईरा था वो बीत जाने के बाद हमारे खिलाड़ियों ने काफ़ी मेहनत की और जो ये जीत का जो पूरा क्रेडिट है वो हमारे खिलाड़ियों को और हमारे जो कोच है उनको जाता है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो हमारे खिलाड़ी है, जो हमारी इंडियन टीम है, उनका दबदबा बना रहे और ऐसे ही लगातार हम इंटरनेशनल मैच जैसे कि कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और अलग अलग गेम्स में ऐसे ही अपना दबदबा बनाए रखें, और आने वाले जो 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में ही होने वाला है, तो यहाँ पर हम उसमें भी जीते तो ये भारत के लिए एक बहुत अच्छा कमबैक होगा। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करने के बाद, बहुत दिन रात मेहनत करने के बाद हमारी टीम फाइनली मेडल जीत गई और हमारी इंडिया की दोनों महिला की और पुरुष की टीम थी जो सेमीफाइनल में जगह बना सकी, और हमारी जो पुरुष की टीम है वो ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुकी है। तो एक बहुत अच्छा परफॉर्म किया था हमारी टीम ने, क्योंकि 2008 का जो बीजिंग का ओलंपिक था वहाँ पर हमारी जो हॉकी टीम थी वो क्वालिफाई तक नहीं कर पाई थी, और जो 2012 का लंदन ओलंपिक वहां पर इंडिया लास्ट पोजीशन मतलब कि 12th पोजीशन पर रही थी। भले ही गोल्ड या सिल्वर मेडल नहीं जीत पाए, पर हमारा जो दबदबा था वो हमने बताया कि इंडिया भी कहीं पर पीछे नहीं है, और वो भी मेडल जीतने में और बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया जैसे वर्ल्ड रैंक नंबर 2 को हराने के लिए काफ़ी मजबूत है और वो उनको उनके साथ कम्पीट कर सकता है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमारे यहाँ पर और बड़े बड़े रिफॉर्म्स होंगे, हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो फेडरेशन है, वहाँ पर जो पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस है वो कम होगा। तो आपको ये वीडियो कभी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चिल करते रहें। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट। बाय बाय।